साहस का दूसरा नाम, शौर्य का प्रतीक, कर्तव्य परायणता का जीवंत प्रमाण। मैं झारखंड जगुआर, राज्य के नक्सल विरोधी अभियान का अग्रणी, झारखंड पुलिस के नक्सल विरोधी अभियान के लिए बना कमांडो दल। मेरा जन्म 2008 में हुआ। मुझे कई उच्च अधिकारियों ने संवारा और मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ। अपने क्षेत्र में पारंगत होने के लिए मेरे जवानों को देश के अलग अलग राष्ट्रीय संस्थानों में भेजा गया। मेरे कमांडोस को अलग अलग प्रशिक्षण दी गई। पूरे झारखंड पुलिस में सबसे अच्छे शारीरिक और मानसिक तौर पर मौजूद अच्छे ऑफिसरों और जवानों को मेरे बल के लिए चुना गया। विगत वर्ष में हमारे अच्छे सामरिक नेतृत्व, कुशल प्रशिक्षण और उच्च मनोबल के कारण नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देने में हमने भारी सफलता भी पाई है। बढ़ते समय के साथ अच्छे प्रशिक्षण, रखरखाव और उच्च नेतृत्व के कारण अब हम एक प्रभावी बल के रूप में जाने जाते हैं। बल के गठन से अब तक हर नेतृत्व के कार्यकाल के प्रत्येक पदाधिकारी कर्मी ने अपनी मेहनत से इस बल को मजबूत बनाया है। परंतु विगत कुछ समय में झारखंड जगुआर बल का रूपांतरण करने में कई सराहनीय कदम उठाए गए हैं। 5 स्थायी बैरक एवं कई पोटा हट का निर्माण, नई बिल्डिंग के ऊपर 100 किलोवाट के सोलर प्लांट की स्थापना, जिससे जे परिसर में बिजली आपूर्ति एवं अक्षय ऊर्जा का स्रोत बना रहे। सीपीसी कैंटीन की स्थापना, जिससे जवानों और उनके परिवार वालों को सामान भारी रियायत के साथ किफायती दर पर दिया जा सके। एसोल्ट टावर 1 बिल्डिंग में मेडिकल स्टोर, पुलिस विभाग से संबंधित एवं अन्य रोचक किताबों के साथ पुस्तकालय की स्थापना, पैसे की निकासी के लिए SBI ATM और एक्सटेंशन काउंटर की स्थापना, शारीरिक प्रशिक्षण के लिए एसोल्ट टावर 1 बिल्डिंग में जवानों के लिए नए जिम का निर्माण कराया गया। शुद्ध पेयजल हेतु 1 घंटे में 2000 लीटर पानी शुद्धिकरण की क्षमता वाले आरओ प्लांट की स्थापना, जल की उपलब्धता हेतु पहले 5 और अब 25 डीप बोरिंग का निर्माण, पुराने और जर्जर बिल्डिंग बैरक की मरम्मत और सौंदर्यीकरण, कैफेटेरिया जिसमें हर तरह के लजीज व्यंजन उपलब्ध, फैमिली क्वार्टर कॉम्प्लेक्स जहां अधिकारी जवान और सेवकों को परिवार के साथ रहने की सुविधा है, पुलिस उपाधीक्षकों के लिए 4 फ्लैट और एसोल्ट कमांडर के लिए हॉस्टल बनाया गया है, 10 डॉग स्क्वाड के लिए डॉग कैनल बनाया गया, फायरिंग बट क्षेत्र के लिए 29 एकड़ 20 डिसमल जमीन का अधिग्रहण एवं कटीले वायर से घेराव किया गया, 8 एकड़ जमीन का अधिग्रहण जिसमें 4 लेन अप्रोच रोड जो रिंग रोड से सीधे कनेक्ट होगा का निर्माण किया जाना, पुराने जियोमेस के पास मिलेनियम थिंक पार्क जिसमें लाइट के साथ पानी का फव्वारा और ओपन एयर थिएटर निर्माणाधीन, कैंपस में प्रवेश निकासी हेतु गेट नंबर 2 निर्माणाधीन, कैंप परिसर के अंदर जियोमेस से ऑब्स्टिकल कोर्स के साथ गेट नंबर 2 तक सड़क का निर्माण, साथ ही ड्रेनेज की सुविधा जिससे सड़क बाउंड्री वॉच टावर के पास पानी का ठहराव ना हो सके, जियोमेस से मंदिर तक के लिए पीसीसी पथ का निर्माण, विभिन्न प्रकार के वृक्षों का वृक्षारोपण जैसे बरगद, कल्प वृक्ष, चंदन, रुद्राक्ष, पीपल, पाकर, गूलर इत्यादि जिनकी संख्या 1 लाख से भी ज्यादा है, रोज गार्डन जहां 50 किस्म के गुलाब अलग अलग रंगों में, धूप एवं बरसात से वाहनों को बचाने के लिए वाहन शेड का निर्माण, वाहनों के साफ सफाई करने हेतु कार वॉशिंग सेंटर का निर्माण, बार्बर शॉप, धोबी और मोची की दुकान का निर्माण किया गया, परिसर में 132 शौचालय, 54 स्नान घर, 124 यूरिनल, 12 जल मीनार, प्रशिक्षण इलाकों को पानी और कीचड़ से बचाने के लिए
400 मीटर का बड़ा नाला एवं 5 सेप्टिक टैंक का निर्माण हो रहा है। प्रशासनिक भवन का भव्य रूप से नवीनीकरण, परिसर में गेट नंबर 1 से 2 तक, परेड मैदान एवं अन्य जगहों पर 100 डबल आर्म सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया गया। जियोमेस का भव्य रूप से नवीनीकरण, कैंप परिसर में बोटिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। हम नित नए कदम उठाते रहेंगे और नक्सल विरोधी अभियान में कड़ी मेहनत कर नई उपलब्धियां हासिल करते रहेंगे। हमारे ध्येय जीत ही लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करते रहेंगे। मैं झारखंड जगुआर अपने जीवन का क्षण क्षण तिरंगे पे वार देता हूं, मादरे वतन की एक शपथ पर सारी उम्र गुजार देता हूं। जय हिंद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।